आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर एक गणपति बाप्पा हो गया, अल्लाह हो गया। नमस्कार, उज्जवल भारत समाचार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भाईंदर वेस्ट का जो चौपाटी है, आप इसको धक्का बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली आम बोलचाल की भाषा में इसे भाईंदर धक्का बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नए तरीके से यहाँ पे शुरुआत की गई है, और पहली बार हम जो गणपति बप्पा गणेश चतुर्थी चल रहा है उसमें विसर्जन शुरू हो चुका है। अलग अलग दिन का जो विसर्जन है वो है। आज हम यहाँ पर आए थे और एक जो सर्वेक्षण कि किस तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे डीसीपी अमित काले आए हैं, पूरे जो व्यवस्था है उसको दिखाने के लिए, उसको समझने के लिए, कि ताकि लोगों को कोई असुविधा नहीं मिले। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाईंदर पुलिस चौकी इंचार्ज मुकुटलाल पाटिल भी हैं, पूरी टीम है, और मीरा भाईंदर में जो पुलिस मित्र हैं उनकी पूरी टीम है। ये सारे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इस विसर्जन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी टीम, और पुलिस प्रशासन हो, चाहे मीरा भाईंदर महानगर पालिका हो, पूरी टीम और जो पुलिस मित्र हैं उनकी पूरी टीम यहाँ पे खड़े हैं, और ये सारे लोग एक ही चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि ये जो विसर्जन है, बहुत ही भीड़ होती है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती हैं, उसके लिए कि किसी तरीके का कोई सुरक्षा में चूक ना हो, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ये लोग दृढ़ संकल्पित हैं, और ये चाहते हैं कि किस तरीके से जो है ये विसर्जन लोग अच्छे तरीके से आएँ, खुशियाँ मनाएँ, क्योंकि दो साल बाद कोविड काल के जो दो साल रहा है वो, उसके बाद लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और गणपति बप्पा मोरया का गुंज लगाते हुए लोग गणपति बप्पा का विसर्जन करें। मैं चाहूँगा दिखाना यहाँ पे अपने कैमरा पर्सन से कि ये जो धक्का है पहली बार यहाँ पे आज शुरू किया गया है, क्योंकि बड़ी मूर्तियाँ जो है वो, क्योंकि भीड़ वहाँ पे ज़्यादा हो जाती थी, इसके लिए अमित काले जो डीसीपी हैं उनके तरफ से, और मेरा ये जो भाईंदर पुलिस इंचार्ज मुकुटलाल पाटिल जी हैं, इन लोगों के प्रयास से ये धक्का को खोला गया है। इस ये जो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्रेन है ये बड़ी मूर्तियों के लिए, ये जो क्रेन है उसके बाद एक क्रेन बाहर रहेगा कि जो गाड़ी में बड़ी मूर्तियाँ आएंगी उनको क्रेन से लेके फिर यहाँ पे लाएंगे। और मैं चाहूँगा कैमरा के माध्यम से दिखाना, और इधर देखिए, मैं ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी छोटी छोटी जो मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन हो रहा है, अभी विसर्जन हो रहा है, माइक पे अनाउंस हो रहा है कि आप अपनी मूर्तियों को कहाँ रखें, किस तरीके से छोड़िए, फिर वहाँ से मूर्तियाँ रख दी जा रही हैं, नगर पालिका की टीम, जीवन रक्षक दल लोग जो है वो बोट है उस पर ले जाके और गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। तो ये बड़े ही खुशी की बात है, और ये सारी टीम आप देख सकते हैं दिन रात एक किए हुए हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की टीम है, ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, खड़े रह के आज से नहीं, जब पहला विसर्जन शुरू हुआ गणपति बप्पा का उस दिन से लगे हुए हैं, और गणपति बप्पा के विसर्जन को सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए, और लोगों को कोई कठिनाई ना हो, कोई समस्या ना हो, उसके लिए यहाँ पे जुटे पड़े हैं। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये है धक्का, और पहली बार जिट्टी बना है यहाँ पे, पहली बार भाईंदर वेस्ट में ये जिट्टी गणपति विसर्जन के लिए खोला जा रहा है, और आपको हम फिर आपको दिखाएंगे लाइव के माध्यम से और अपने न्यूज़ के माध्यम से कि ये जो जिसने जो जिस सरकार ने और प्रशासन ने इसकी शुरुआत की और ये बन के तैयार हो गया है वो किस तरीके से लोगों के लिए कारगर साबित होगा। आइए, हम इस विषय में बात किए हैं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो भाईंदर के पुलिस इंचार्ज हैं उनसे हमने बात किया, और जो पुलिस मित्र की टीम है उन्होंने क्या किस तरीके से इसकी तैयारी की, आइए हम उसके विषय में सुनवाते हैं। यहाँ पे पिछले 25 वर्षों से अधिक से
यहाँ पर भाईंदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यहाँ पे गणेशोत्सव पुलिस मित्र यहाँ पे कार्यरत है, जो कि यहाँ पे जो भी विसर्जन व्यवस्था होती है, बंदोबस्त होता है, डेढ़ दिन, पाँच दिन, गौरी गणपति विसर्जन सातवें दिन और आखिरी का अनंत चतुर्दशी दिन, इसमें जो भीड़ ज़्यादा होती है, ढेर सारे मतलब इतनी सारी प्रतिमाएं आती है, पुलिस फोर्स कहीं ना कहीं महानगर पालिका का स्टाफ पुलिस फोर्स को कहीं ना कहीं नागरिकों की मदद लगती है, और उसी नागरिकों में से जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो अपने जज्बे से कुछ काम करना चाहते हैं समाज के लिए, समाज कारण के लिए, वैसे यहाँ पे सारे पुलिस मित्र यहाँ पे सेवाएं देते आए हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ महानगर पालिका मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्टाफ के साथ कंधे से कंधे मिला के यहाँ पर काम करते हैं। नहीं, वैसा होता है कि जैसे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हमारी मीटिंग लेती है और पूर्व तैयारी के रूप में, और उसके बाद मीटिंग में यह तय किया जाता है कि कौन कैसे कहां पे रहेगा। अभी जैसे कि या मैरीटाइम जेटी इस वर्ष पुलिस प्रशासन के माध्यम से अपने को यहां पे बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए मिला है, तो यहां पे कुछ अधिक पुलिस के साथ हमारे कुछ कार्यकर्ता यहां रहेंगे, जहां पे बच्चे महिला है धक्के के अंदर नहीं चले जाएँ, वहां जो पौधे वगैरह हैं उनको फटाके नहीं बजाए कहां पे, और इतनी सारी भीड़ के अंदर कोई मूल्यवान सामान का कुछ चोरी ना हो पाए, ये सारा ध्यान जो पुलिस तो रखती है, पुलिस तो लगी रहती है, लेकिन पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला के हमारे भी नज़रें उनके साथ बनी रहती है और हम उनको सहयोग करते रहते हैं। तो ये पूरी टीम जो है निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और बिल्कुल मतलब अपने जज्बे से गणपति बापा के मतलब के माध्यम के लिए करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी टीम है पुलिस मित्र भाईंदर वेस्ट की, जो सारे लोग निस्वार्थ भाव से और गणपति बप्पा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दो साल बाद लोगों में एक तरीके से आप कह लीजिए कि फिर से वो जोश और जो श्रद्धा देखने को मिला है और सब कोई खुल के विसर्जन कर रहे हैं। तो ये पुलिस मित्र की टीम है जो पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला के वो सिर्फ गणपति विसर्जन ही नहीं, बल्कि वो चाहे मुहर्रम हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, नवरात्रा हो, सब में ये पुलिस वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों की मदद में लगे रहते हैं। ये नया जेटी अभी शुरू हुआ है, ये मैरीटाइम बोर्ड ने ये नया जेटी बड़े गणपति विसर्जन के लिए परमिशन दिया है इस साल। इसके पहले ये जेटी से कभी विसर्जन नहीं हुआ करता था, तो इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिल रहे हैं हम लोगों को। अभी लो टाइड में भी जो हमको दिक्कत आती थी, लो टाइड अगर रहा तो बड़े गणपति का विसर्जन रोक देना पड़ता था, वो अभी हम वो दिक्कत हम फेस नहीं कर रहे अभी। और ये मैरीटाइम बोर्ड को रिक्वेस्ट किया था हमारे डीसीपी साहब अमित काले साहब ने, जो उनके पर्सनल रिलेशन यूज़ करके उनसे ये परमिशन मंगवा दिए है, और हम लोग और पूरे मीरा भाईंदर के गणेश मंडल के जो पदाधिकारी कार्यकर्ते हैं और ये पुलिस मित्र जो है हमारे पूरी गैंग और पुलिस दल और महानगर पालिका, ये मैरीटाइम बोर्ड का शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये अच्छा सुविधा उपलब्ध कर दिया है, जिससे बड़े गणपति तुरंत विसर्जित करने में मदद होती है। गाइडलाइन ये है कि मोस्ट प्रोबेबली बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक तो पीओपी की होती है, उससे पर्यावरण की भी हानि होता है, थोड़ा सा समझदारी से काम लिया तो। और ये बड़ी मूर्ति लाने में ले जाने में थोड़ा सा मैन पावर भी वेस्ट होता है, और यहाँ से दिक्कत भी आती है वो विसर्जन करने के लिए, तो थोड़ा सा एक इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कोई परेशानी नहीं होगी, पुलिस पूरी मुस्तैदी से ये काम कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर साहब ने भाईंदर के लिए बहुत सारा बाहर से भी बंदोबस्त हमको दिया है, हेडक्वार्टर से बंदोबस्त दिया है, महाराष्ट्र सिक्योरिटी बोर्ड के भी लोग हमको मिले हैं, होमगार्ड्स भी है, और मीरा भाईंदर के भाईंदर वेस्ट के जो अच्छे हो पुलिस मित्र जो गैंग है हमारी, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके दिन रात हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे पीछे आपको आप देख सकते हो, ये सब वही गैंग है जिनमें कुछ बहना भी है, ये भी हमारे साथ में दिन रात काम करती है। तो इन लोगों ने गणपति विसर्जन अच्छे से करने के लिए और मीरा भाईंदर की सेवा भाईंदर की पब्लिक की सेवा करने के लिए ये लोग हमारे साथ खड़े हैं सब लोग। सर एक अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी पर्व त्यौहार में आप एक मीटिंग बुलाते हो शांति समाज की और हर दल के लोगों को, चाहे हर धर्म के लोगों को, तो उससे आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, ये शांतता कमेटी का हर पुलिस स्टेशन में होता ही है, और ये दो साल से मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट शुरू हुआ है, तो इसमें
कमिश्नरेट होने की वजह से थ्री टायर शांतता कमेटी फॉर्मेट फॉर्म ये किया गया है, जिसमें सीपी साहब के लेवल से जो है उसमें कुछ शांतता कमेटी है, कुछ एसीपी डीसीपी साहब के लेवल के है और कुछ पुलिस स्टेशन लेवल के हैं। तो हर टाइम हर त्यौहार में सबको बुला के उनका मीटिंग लिया जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर, और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।